कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल यराल गुप्ता डीएनए क्लासेस में। और बच्चों, क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 लेके आ गए हैं हम, है ना। तो इस चैप्टर, ये चैप्टर का नाम है बच्चों एसिड बेस एंड सॉल्ट। जनरली इस चैप्टर में आप एसिड के बारे में बात करोगे, बेस के बारे में सीखोगे, सॉल्ट के बारे में जानोगे, है ना। और एसिड किस तरह से रिएक्शन करता है, कौन कौन सी चीजें एसिडिक होती हैं, कौन कौन सी चीजें बेसिक होती हैं, है ना। जनरली हम उनको कैसे पहचानते हैं, कैसे उनका टेस्ट करते हैं, ये सब बातें जनरली हम इस लेक्चर्स में, या देखा जाए तो आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं या राहुल गुप्ता डीएनए क्लासेस। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एसिड। आज हम लोग सबसे पहले एसिड के बेसिक चीज जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले आज आप आज का जो आप हेडिंग लगा लीजिए वो है हमारा एसिड, है ना। बच्चों, अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। इसमें अगर हम पहला प्रॉपर्टी अगर बात करें, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो बच्चों वो स्वाद में खट्टे होते हैं। आप लिख सकते हो, है ना, कि दे आर सॉर इन टेस्ट। उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, है ना। हमेशा अगर कोई चीज अगर आपको खट्टी लग रही है तो आप समझ सकते हो कि जनरली वो एसिड रहा होगा। पहली बात तो ये है। सेकेंड बात बच्चों ये है कि जनरली ये जो हमारा एसिड होता है, ये लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, है ना। ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। बच्चों, ब्लू लिटमस पेपर पहले क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। तो अगर हम बात कर ले लिटमस पेपर का, तो बच्चों लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है, है ना। लिटमस पेपर जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, आप बोल सकते हो नेचुरल प्राकृतिक, एक बोल सकते हैं सूचक है ना, जो बताता है एसिड और बेस के बारे में। तो दिस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, है ना। पहला पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं। दूसरा ये बात है कि बच्चों ये जनरली लीचेन नाम के पौधे से बनाया जाता है। जनरली नेचुरल है मतलब आपको प्लांट से ही मिलेगा ये। तो प्लांट से जब मिलता है ये, तो उस जो पौधे का नाम है उसको बोलते हैं हम लोग लीचेन, है ना। तो लिख सकते हैं कि दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन। लीचेन एक ट्री का नाम है ना, एक ट्री नहीं बोलो आप, पौधा होता है ये, है ना। आप जैसा कि फिगर देख रहे हो, तो लीचेन से जनरली ये निकाला जाता है, लीचेन से ये बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ये बात, है ना, ठीक है। देख रहे हो आप लीचेन का, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, तीसरा जो होता है इसका पॉइंट, तीसरा मतलब आप ये लिख सकते हो कि देखो, जनरली जब लिटमस पेपर न तो एसिडिक है न ही बेसिक है, मतलब जब आप लिटमस पेपर को न तो आप उसमें एसिड डाले हो, न ही उसमें बेस डाले हो, तो जनरली लिटमस पेपर का जो कलर होता है, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो व्हेन लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक देन इट्स कलर इज पर्पल, है ना। तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो लिटमस पेपर क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात किए। और जनरली हम लोग यहां सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि लिटमस पेपर जो है, अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है ना, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, वो रेड कर देगा। जैसे आप ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे, ब्लू लिटमस पेपर का मतलब होता है कि वो मतलब बेस में डाला गया था पहले, आप समझ लो ना कि कोई ब्लू लिटमस पेपर है। तो ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ही आप डालोगे किसमें, एसिड में, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना। ये बात आप समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो बच्चों ये सेकेंड पॉइंट था। अगर हम थर्ड पॉइंट पे हैं, इसी के थर्ड पॉइंट पे हैं, तो थर्ड पॉइंट क्या है इसका, बच्चों जितने भी एसिड होते हैं वो जनरली प्रोड्यूस करते हैं एच प्लस आयन, है ना। तो दे प्रोड्यूस, हम लिख सकते हैं यहां से, दे प्रोड्यूस एच प्लस आयन, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयन, है ना, इसको प्रोटॉन भी बोला जाता है। तो एच प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी अगर वाटर का सॉल्यूशन है तो उसमें ये आपको एच प्लस आयन दे देंगे। इनकी एक खासियत होती है एसिड की कि वो हमेशा एच प्लस आयन आपको देंगे, है ना। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका, है ना। अगर हम चौथे पॉइंट की बात कर ले, फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट जो आपका इसका होता है, है ना, चौथा पॉइंट वो है बच्चों इसका, कि ये जनरली कोरोड करेंगे मेटल को, है ना।
एसिड ऑलवेज कोरोड मेटल है ना, एसिड एसिड कोरोड मेटल, कोरोड मेटल ये मेटल को संचारित करते हैं है ना। जनरली जो मेटल संचारित होता है, कोरोजन होता है मेटल का, उसमें से एक फैक्टर है कि वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कोरोड होगा। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में सब बात किए हैं कि कोरोजन कब कब होता है, कोरोजन जब आप उसको एयर के प्रेजेंस में रख दो मेटल को, या फिर मॉइस्चर के प्रेजेंस में रख दो, या फिर वाटर के प्रेजेंस में रख दो है ना, तो जनरली वो कोरोड होता है। तो एसिड के प्रेजेंस में भी रखने से ये कोरोड होगा। बच्चों इसकी जो फेमस एग्जांपल है, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर लें, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात कर लें तो सबसे इसका फेमस एसिड है पहला HCl है ना, HCl। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, HCl। ठीक है, चलिए सेकेंड इसका जो बड़ा फेमस एसिड है बच्चों, सेकेंड जो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है वो आपका H2SO4। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, यही बड़ा फेमस एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, और तीसरा जो होता है वो तीसरा होता है आपको बच्चों HNO3। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये जनरली कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है जनरली जो जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसका जो नाम है बेसिकली वो नाम आपको पता होना चाहिए है ना। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे ऐसे भी एसिड होते हैं जो आपको जनरली अलग अलग सोर्सेस से मिलते हैं। जनरली हम एसिड से घिरे हुए हैं, आप तो इतने सारे एसिड अपने डेली लाइफ में यूज करते हो ना, आपको पता भी नहीं ये बात का। तो कुछ हम लोग एसिड देख लेते हैं और उसके सोर्सेस देख लेते हैं कि जनरली हमको किस चीज से या कौन से फूड से कौन सा एसिड जनरली हमको मिलता है ना। तो चलिए यहां पे कुछ इस तरह से हम लोग बात कर लेंगे। आप यहां पे लिख लीजिए एसिड, या यहां पे मैं पहले लिख लेता हूं सोर्सेस, सोर्सेस, और इधर आप लिख लीजिए एसिड। ठीक है, और जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं आप चार्ट बनाते जाइएगा, इधर लिखिएगा सोर्सेस, यहां पे लिखिएगा एसिड। पहला है जो बच्चों वो आप पहला जो सोर्स है उस सोर्स में आप जो पहला नाम लिख सकते हो वो है आपका, वो है आपका बच्चों विनेगर। विनेगर जानते हो ना, विनेगर, विनेगर में जो पाया जाता है बच्चों वो है एसिटिक एसिड, एसिटिक। कुछ कुछ जटिल स्ट्रक्चर होते हैं तो हम नहीं बनाएंगे, और कुछ कुछ का हम आपको बता देंगे। तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH है ना। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ोगे है ना, वो चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना है एसिटिक एसिड के बारे में। तो एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है? विनेगर में है ना। जनरली आप जो अचार देखते हो, जनरली अचार को, अचार में जनरली आपको ये मिल जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो बच्चों एसिटिक एसिड मिलेगा कहां? विनेगर में। पहली बात है ये सोर्सेस का, तो आप यहाँ पर सोर्सेस का लिस्ट लिखते जाइएगा और यहाँ पे एसिड लिखते जाइएगा। समझ में आ रहा है ना, ये तो पहला है। सेकेंड बच्चों है आपका, सेकेंड है आप देखते जाइए और लिखते जाइए है ना। सेकेंड है बच्चों आपका सिट्रिक एसिड है ना, सिट्रिक एसिड लेमन में मिलता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक, सॉरी यहाँ पे लेमन लिखते हैं हम लोग, लेमन। और लेमन में आपको कौन सा मिलेगा? लेमन में आपको मिलेगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड है ना, लिखते जाइए। लेमन में आपको क्या मिलेगा? सिट्रिक एसिड। इसके अलावा बच्चों आपका थर्ड जो है ना, थर्ड जो आपका है वो थर्ड है आपका यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड है ना। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में मिलता है, जनरली ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलता है? टोमेटो में। तो आप टोमेटो में आपको जो मिलेगा, दिख रहा है आपको फिगर में जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो टोमेटो में आपको क्या मिलता है? टोमेटो में मिलता है आपको ऑक्जेलिक एसिड है ना। चलिए सही है, दिख रहा है आपको। चलिए चौथी बात पे आते हैं बच्चों, एप्पल, जो हमारा एप्पल होता है, एप्पल में आपको मिलता है मैलिक एसिड है ना। एप्पल में क्या मिलता है आपको? मैलिक एसिड, लिखते जाइए। एप्पल में क्या मिलता है बच्चों? मैलिक एसिड। समझ में आ रहा है ये बात। मिल्क की बात कर ले तो मिल्क में बच्चों पाया जाता है लैक्टिक एसिड है ना। मिल्क में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, सही है। ग्रेप्स, अंगूर की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रेप्स में बच्चों पाया जाता है टार्टेरिक एसिड है ना। ग्रेप में क्या पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड, दिख रहा है आपको। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा बच्चों एंट, चीटी, चीटी का जो डंक होता है उसमें आपको मिलता है जनरली फॉर्मिक एसिड है ना। क्या मिलता है उसमें? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का एग्जांपल जो होता है HCOOH। आप अभी आपको स्ट्रक्चर याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एंट में क्या मिलता है बच्चों? फॉर्मिक एसिड। चलिए सही है, कुछ लिस्ट है, फेमस लिस्ट है जो आपको आना चाहिए समझ में। ठीक है, सही है ना। चलिए तो हो गया सारा, मिल्क हो गया, एप्पल हो गया, ग्रेप हो गया है ना। अच्छा, मीट और एग जो होते हैं, जनरली मीट और एग जो होते हैं उनमें जनरली आपको एमिनो एसिड्स मिलेंगे है ना। जितने भी आप मीट यूज करते हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा? एमिनो एसिड मिलेगा। एग में भी जनरली एमिनो एसिड पाया जाता है, तो ये बातें आप
नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है कुछ, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप जान लो यहाँ पे कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड के बारे में कि वो क्या होता है। तो हेडिंग लगा लीजिए कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड है ना, इसको लोग बोलते हैं सांद्र अम्ल, है ना, सांद्र अम्ल। बच्चों सांद्र अम्ल का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे अम्ल होते हैं जिसमें हम लोग कुछ पानी मिलाते हैं। तो बच्चों आप ऐसे समझ लो कि पानी बहुत कम होना चाहिए, मतलब वाटर वाटर वेरी लेस होना चाहिए। अगर हम बात कर ले तो एसिड 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 जैसे मान लो होना चाहिए 90%, तो हमारा जो वाटर है वो वाटर होना चाहिए मान लो 10%, कुछ इस तरह से। मान लो अगर हमारे पास 100 ml है या आप 100 ml जनरली ले रहे हो कोई एसिड, तो 100 ml में 90 ml एसिड है और 10% या 10 ml आप ऐसा समझ लो कि केवल वाटर मिला है वो, तो जनरली आप उसको बोल सकते हो कि वो कंसंट्रेटेड एसिड है। समझाता है ये बात। वैसे बच्चों अगर हम डाइल्यूट एसिड की बात कर लें तो डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि हम पानी ज्यादा मिला देते हैं, है ना। डाइल्यूट एसिड की हम बात करें तो डाइल्यूट एसिड में वाटर ज्यादा हो जाता है, H2O मोर हो जाता है, पानी ज्यादा हो जाता है और एसिड हमारा लेस हो जाता है, एसिड हमारा लेस हो जाता है। जैसे एग्जांपल में आप ऐसे देख लो कि हमारा जो एसिड है वो एसिड कोई भी एसिड HCl H2SO4 पर कोई भी एसिड ले रहा हो आप, तो उस एसिड एसिड हम मान लो ले लेते हैं 20% और जो हमारा वाटर है वो वाटर हम ले लेते हैं 80%, ठीक डाइल्यूट में आएगा। अगर पानी से ज्यादा है कौन, पानी से ज्यादा है अगर हमारा एसिड तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, और अगर हमारा पानी ज्यादा हो गया तो पतला हो गया, है ना, डाइल्यूट हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड, इसको बोलते हैं हम लोग जल मिश्रित अम्ल, जल मिश्रित अम्ल, है ना। तो ये जनरली एसिड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था, है ना। अगले वीडियो में बच्चों आप बेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानोगे और फिर सॉल्ट के बारे में देख लेंगे हम लोग, फिर इंडिकेटर्स बात करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।